अनुभूति ज्योतिष केंद्र कुंडली पार्ट 449 में स्वागत है। अग्नि तत्व, अग्नि तत्व में तीन राशियां आती, मेष, सिंह और धनु। बेसिकली ये राशियां जिनकी भी होती हैं या जो लग्न में होते हैं इस तरह की राशियां, तो ऐसे लोग थोड़े से बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी हो सकते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा साहस हो सकता है, बहुत ज़्यादा तेज हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आक्रामक हो सकते हैं। इनका मेन चीज़ है कि ये बहुत, मतलब इनकी जो सोच होती है बहुत हैवी उड़ान भरने वाले होते हैं, और अगर कोई इनसे कुछ बोलता है, कुछ अगर जवाब देना तो तुरंत देते हैं। इसके अलावा एक और बात करूं तो ये अगर बहुत मेहनत और लगन के साथ काम करने वाले लोग होते हैं और बहुत बहुत सफल इंसान माने जाते हैं इस तरह के, क्योंकि किसी भी काम को बहुत डेडिकेशन के साथ और समर्पण के साथ करने का काम करते हैं, इस कारण ये बहुत सफल होते हैं, बहुत पराक्रमी हो सकते हैं। फायरी तत्व होता है इनके अंदर, अग्नि तत्व होता है इनके अंदर, तो ये किसी भी चीज़ को बिल्कुल बहुत, मतलब एक जैसे फायर होता है उस टाइप का ये क्या होता है, इनके अंदर जज्बा होता है, तेजी होती है, तो इस तरह से अग्नि तत्व वाले कुछ इस तरह के लोग गिने जाते हैं। तो अग्नि तत्व, इसके अलावा वायु तत्व, इसके अलावा पृथ्वी तत्व और जल तत्व, चार तरह की ये राशियाँ होती है जिनके अंतर्गत अलग अलग हम विवरण पढ़ेंगे। अभी हमने इसमें समझा अग्नि तत्व की राशियाँ, तो अग्नि तत्व के अंदर आती है मेष, सिंह और धनु राशि। मेष राशि के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं मंगल, सिंह राशि के जो स्वामी होते हैं वो सूर्य, और धनु राशि के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं गुरु। तो इस तरह से ये होती अग्नि तत्व की राशियाँ। अगर ये लग्नेश हो जाए तो इंसान के अंदर ये जो मैंने आपको गुण बताए उस तरह के गुण क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, उस तरह के गुण होते हैं भाई, बेसिक वो वैसा ही रहता है। तो ये थी अग्नि तत्व। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, अगले वीडियो तक नमस्कार।